नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। तो जैसे कि आप थंबनेल से देख सकते हैं, टाइटल से देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई 2019 की अपकमिंग नोटिफिकेशंस के बारे में। ऑलरेडी कुछ वीडियोस हम पहले भी डाल चुके हैं और आपके कमेंट्स भी आए हैं, सर आपने वो वीडियो डाला था, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आए, अभी तक कोई नोटिस नहीं आए, कोई भी किसी प्रकार का रिक्रूटमेंट रिलीज नहीं किया गया है। तो क्या इस साल एग्जाम होंगे, क्या इस बार नोटिफिकेशन रिलीज होगी? तो ये सारे सवालों का जवाब इस सेशन में मैं आपको दूंगा अच्छे से। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी आरबीआई के बारे में कि जो मेन इश्यू चल रहा था, दो नोटिफिकेशंस का इश्यू है। एक तो आरबीआई असिस्टेंट, सॉरी प्री, मैंने गलत लिख दिया, आरबीआई असिस्टेंट 2019 और आरबीआई ग्रेड बी 2019। अब दोनों के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे, क्या क्या हमें अभी तक बातें पता चली है और क्या आने वाले टाइम में आप इनसे रिलेटेड न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2019 की, 2019 की नोटिफिकेशन, जिसका काफी समय से काफी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा जॉब रहता है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, वर्किंग आवर्स अच्छे हैं, ओवरऑल देखा जाए तो बैंक का जो पीओ का प्रोफाइल रहता है उससे काफी ज्यादा बेटर प्रोफाइल है। तो काफी लुक्रेटिव, काफी अट्रैक्टिव जॉब है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले जो काफी समय से इश्यू चल रहा था वो आरबीआई असिस्टेंट 2017 का जो रिक्रूटमेंट था उस पे जो कोर्ट केस चल रहा था, वो लगभग 1.5 साल हो गए उस केस को चलते हुए। फाइनली 1.5 से 2 महीने, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ये केस पूरी तरह से रिजोल्व हो गया। कोई इम्पेंडिंग इश्यू नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी इश्यू अब रहा नहीं है, पूरी तरह से केस रिजॉल्व हो चुका है, डिजॉल्व कर दिया जाएगा, कंप्लीट हो चुका है। तो केस अब बंद हो चुका है, जो बहुत ही अच्छी खबर थी, जिसके बारे में लगातार हम आपको बताते आए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कि अब असिस्टेंट, जो आरबी असिस्टेंट 2017 का रिक्रूटमेंट था, केस कंप्लीट हो गया, तो अब बारी थी 2017 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनको अलॉटमेंट देना, उनको ज्वाइनिंग देना। तो ये जो ज्वाइनिंग है अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, तो काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर कब तक स्टार्ट होगी, या इसमें भी काफी डिले होने वाला है। तो इसका इश्यू भी क्लियर हो चुका है हमें, जो हमारे स्टूडेंट से पता चल रहा है और बाकी न्यूज से पता चला है कि 5 अगस्त से आरबीआई असिस्टेंट 2017 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है 5 अगस्त से। जैसे कि 5 अगस्त से आपके मुंबई और बेंगलुरु रीजन की स्टार्ट हो जाएगी और इन अ मंथ्स टाइम, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपके सभी रीजन की ये जो अलॉटमेंट है, ये ज्वाइनिंग है, वो कंप्लीट हो जाएगी, जो बहुत ही अच्छी न्यूज है आने वाली नोटिफिकेशन की। क्योंकि 2017 का कोर्ट केस रिजॉल्व होना ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं था, इसके बाद ज्वाइनिंग और अलॉटमेंट वाली प्रोसेस कंप्लीट होना भी जरूरी है, क्योंकि अलॉटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद ही जगह बनेगी, उसी के बाद रास्ता बनता है अगली नोटिफिकेशन के लिए। तो महीने भर के अंदर अंदर ही सारी की सारी आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी। अब अलॉटमेंट हो जाएगी तो अब क्या होगा, अब आगे का क्या रहेगा? अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर नोट करने के लिए यह है दोस्तों कि 2018 में किसी प्रकार का कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया था, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया 2018 में, किसी प्रकार का एग्जाम मैंने आपको बताई दिया नहीं हुआ था, क्योंकि तब तक 2017 वाला ही कोर्ट केस चल रहा था, वही रिजोल्व नहीं हुआ था, तो 18 आने का कोई सवाल ही नहीं था। पर क्योंकि 2018 में किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आया, रिक्रूटमेंट नहीं किया गया, जिसके कारण 2019 का जो वैकेंसी, जो रिक्रूटमेंट आएगा उसमें वैकेंसीज होगी यूजुअल से ज्यादा, द वैकेंसीज विल गोइंग टू बी हायर देन द यूजुअल फॉर द 2019 रिक्रूटमेंट। रीजन मैंने आपको दिया है, 2018 में किसी प्रकार का एग्जाम, किसी प्रकार का रिक्रूटमेंट नहीं किया गया था, जिसके कारण जो 2018 की बैकलॉग वैकेंसीज है वो अब एड हो जाएंगी 2019 के अंदर, और जो आपका नोटिफिकेशन आए, जो नोटिफिकेशन आएगा, रिक्रूटमेंट आएगा, वो हायर साइड पर रहेगा, जो जो बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए। चलिए अब बात करते हैं 2019 की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स, कब आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं, कब नोटिफिकेशन आएगा, सारी बातें अभी क्लियर करते हैं। अब जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है सितंबर के आखिरी हफ्ते में। देखिए, ये जान के आपको थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा कि आखिरी हफ्ते में इतनी जल्दी,
बिल्कुल दोस्तों, इतनी जल्दी एक्सपेक्टेड है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 27 से 30 सितंबर का जो ये ड्यूरेशन रहेगा, इसके बीच में कभी भी आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हो सकता है। नोटिफिकेशन नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जाम डेट्स आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है सेप्टेम्बर के आखिरी वीक में। मतलब बहुत ज्यादा आप लोगों के पास समय नहीं है। जो जो सीरियस है आरबीआई असिस्टेंट 2019 को लेके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट जो आरबीआई असिस्टेंट 2019 की तैयारी करेंगे वो बाकी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट को भी अपने स्कीम ऑफ प्लान्स में रख के चलिएगा, क्योंकि आखिरी वीक में, आखिरी में जाके सितंबर में एग्जाम एक्सपेक्टेड है असिस्टेंट का होना। असिस्टेंट में आपको पता है दो स्टेज में होता है, पहले प्री होगा, तो पहले प्री एग्जाम एक्सपेक्टेड है 27 to 30 सितंबर के बीच में। अब ये तो बात थी आरबीआई असिस्टेंट की, जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है। अब अगला नोटिफिकेशन आपका रहता है आरबीआई ग्रेड बी 2019। इसमें इतना इशू है नहीं, क्योंकि 2018 में एग्जाम कंडक्ट किया गया था पर किसी कारण से पोस्टपोन हो गया था कई वेन्यूज में, जिसमें से एक कारण था जो केरला में आपके फ्लड्स आए थे, जिसके कारण काफी वेन्यूज पे इन्होंने एग्जाम पोस्टपोन किया था। पर फाइनली सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट है वो क्लियर कर दी गई है, सारी की सारी ज्वाइनिंग अलॉटमेंट हो चुकी है। अब बारी है 2019 की। अब 2019 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि असिस्टेंट से भी पहले, ग्रेड बी का एग्जाम असिस्टेंट से भी पहले होगा, और जो सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेंबर है 14-15 सेप्टेंबर को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम डेट्स आने की, एग्जाम कंडक्ट होने के अच्छे चांस है कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं दोनों के दोनों सितंबर एंड में, दोनों के दोनों एग्जाम सितंबर एंड में एक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तो आप जैसे बाकी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर आरबीआई के भी जो एग्जाम से 2019 को, उसको भी दिमाग में लेके चलिए, क्योंकि बहुत ही लुक्रेटिव, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है, पीओ के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बेटर है हर एस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो चलिए अब जाने से पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए, प्लस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ लेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।